नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। जमातियों की नापाक हरकत ने पूरे देश को संकट में डाल दिया है, जिसके बाद से ही अलग अलग राज्यों की पुलिस इन जमातियों की धरपकड़ करने में लगी हुई है। तो वही लिबरल गैंग इनके बचाव में आकर एक के बाद एक बेतुर के तर्क पर तर्क दे रहा है। कोई पुलिस पर आरोप बढ़ रहा है तो कोई मरकज से मिली कोरोना की जमात को मोदी सरकार की लापरवाही का नतीजा करार दे रहा है। लेकिन सच क्या है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से कोरोना की जमात के कमांडर मौलाना साद ने कोरोना के आतंक को फैलाने के लिए लोगों को उकसाया। उसने कहा था कि कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा और मस्जिदों में मरने से अच्छी जगह कोई नहीं है। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। ये ख्याल बिल्कुल बातिल। मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई होने से सीधी बात। तो देखा आपने किस तरह से देश को खतरे में डालने वाला कोरोना सेंटर का मुखिया मुस्लिम समुदाय के लोगों को बरगला रहा है। जहां एक तरफ इस जाहिल की नापाक हरकत पर खुद मुसलमान परेशान होकर इसे गरिया रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मौलाना साद की आलोचना करने के बजाय उसके बचाव में तरह तरह का ज्ञान दे रहे हैं। मगर अब ऐसे लोगों को देश की जनता भी सबक सिखा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कोरोना से निपटने के लिए सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि समीक्षा करने वाले सदिच्छा से इसकी भी समीक्षा परीक्षा करें कि जिनकी धरपकड़ की जा रही है उन्हें कब, क्यों व किसने बीजा दिया, कोरोना के कितने टेस्ट किए जा रहे हैं व अन्य बीमारियों के इलाज व भूखे भटके लोगों के लिए क्या व्यवस्था है। कृपया राहत कोष की पारदर्शिता की भी समीक्षा करें। फिर क्या था, सरकार ने तो अखिलेश यादव के इन सवालों का जवाब नहीं दिया, मगर देश की जनता ने जवाब जरूर दिया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि आपका ज्ञान देने के लिए शुक्रिया, काश इतना ज्ञान अपने कार्यकाल में अपने अधिकारियों को दिया होता तो आज ये जमाती इतना उत्पात नहीं मचाते। एक और यूजर ने लिखा कि महोदय, जिनकी शब्द का क्यों प्रयोग किए, क्या आपको नहीं पता है कि जिनकी शब्द वाले तबलीगी जमात के हैं, आखिर इतनी मोहब्बत उन लोगों से क्यों है, क्यों उन लोगों का नाम लेने से बच रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको तो खुलकर उन लोगों को और कार्रवाई की बात करनी चाहिए थी। एक ने लिखा कि टोटी चोर राहत कोष की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। एक ने लिखा कि टीपू सुल्तान, कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो भाई, ईश्वर कृपा करो। तो वहीं एक ने लिखा कि टोटी चुराने वाला टोटी चोर भी ज्ञान बांट रहा है। एक और यूजर ने लिखा कि साइकिल पर चलते थे आपके पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, आज 4 से 5 हजार करोड़ के मालिक कैसे बन गए, आप अपने घर से शुभ शुरुआत करेंगे तो मिसाल कायम होगी, बताइए कमाई कैसे करी। एक ने लिखा कि तात तुम विश्राम करो, कष्ट ना दो स्वयं की बुद्धि को। एक ने लिखा कि नेताजी तबलीगी जमात ने सही नहीं किया, आप अपीजमेंट अब बंद कर दीजिए। तो भाई एक ने लिखा कि इस तरह के ट्वीट देखकर शर्म आती है कि कैसे आप जैसे लोग देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया बन गए, आश्चर्य। तो भाई एक ने इशारों में ही अखिलेश यादव को सीबीआई की जांच की बात ध्यान दिला दी। इतना ही नहीं, एक यूजर ने तो उनको यदुवंशी कुल में जन्म लेने पर ही सवाल उठा दिए और रामायण देखने की सलाह दे दी। तो भाई एक भाई साहब ने तो अखिलेश यादव को एक दोहा समर्पित करके कहा कि सपा ने राहत कोष के लिए कुछ दिया है। तो भाई एक ने अखिलेश यादव को श्राप दे दिया कि अब आप कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। एक और यूजर ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि आपने इस संकट की घड़ी में कितना दान किया, ये बताओ, राजनीति मत करो। यानी कि इस तरह से सरकार से पहले ही लोगों ने अखिलेश यादव को जवाब दिया और साथ ही सवाल भी पूछ लिया जिनका जवाब शायद ही अखिलेश यादव दे पाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।